हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी बहुत ही खास है और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। ना आपको आलू वाले, ना दाल भिगोनी, कुछ भी आपको झंझट नहीं करना है। इंस्टेंटली बना के आप सर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ ले रही हूँ मैं 100 ग्राम गेहूँ का आटा। फिर इस आटे में हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन को क्रश करके डालेंगे, इससे खुशबू और भी अच्छी आती है। फिर इसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक, टेस्ट के हिसाब से नहीं बल्कि जितना आप आटे में डालते हैं उस हिसाब से डालें। और फिर इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच हल्दी, 2 टेबलस्पून ऑयल और थोड़ी सी डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स। और उसके बाद इसमें कट कर देंगे हम ये कड़ी पत्ता, यहाँ पे धनिया भी ले सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ कड़ी पत्ते लिए हैं, इनको मैं इस तरीके से बारीक कट करके इसमें डाल दूँगी। इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है और जो इसका कलर है वो भी अच्छा हो जाता है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मोइन थोड़ा हमें यहाँ पर अच्छी मात्रा में लेना है, इस तरीके से मोइन लेना है आपको। तो जब भी कोई चीज़ आप खस्ता बनाते हैं उसमें जितना कम पानी का यूज होता है उतना ही खस्ता आपकी वो चीज़ बनके तैयार होती है। तो आप थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के सख्त डो लगाएंगे, हार्ड डो लगा के तैयार करेंगे, जैसा समोसे का होता है उस तरीके से। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी जो रोज़ एक रेसिपी की वीडियो आती है वो देख पाएं। मैं कोशिश करती हूँ कि रेसिपी जो भी बनाऊँ वो आसान हो, टेस्टी हो और इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में ही अवेलेबल हों। तो हमने डो लगा के अच्छे से सेट करके इसे लगभग 20 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तब तक यहाँ पे तैयारी करते हैं आगे की। तो मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है एक और इसमें डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस एक बड़ी चम्मच ऑयल डाल देंगे इसमें। तो अब इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच जीरा और जीरे को भुनने देंगे लो फ्लेम पर अच्छे से। तो जीरे को हम यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे और जब ये जीरा हल्का ब्राउन हो जाएगा तब इसमें डालेंगे ये थोड़े से कड़ी पत्ते और इनको भी हल्का चटका देंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम बारीक कटे हुए प्याज। इन्हें अच्छे से हमें रोस्ट करना है यहाँ पे। तो प्याज को रोस्ट करते वक्त फ्लेम को मैं मीडियम टू हाई रखूँगी और अच्छे से इन्हें हम रोस्ट कर लेंगे। फ्राई नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हमें प्याज को यहाँ पर नहीं करना है, हल्का सा भूनना है इस तरीके से। प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। और अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पत्ता गोभी ले ली है, उसे बारीक कट कर लिया है, वो डाल दी है। इसको भी हल्का सा रोस्ट करेंगे हम, बहुत ज़्यादा इसको भी नहीं भूनना है। अब इसमें डालेंगे मसाले, 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी, 1/4 चम्मच डालेंगे यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच डालेंगे गरम मसाला और अब डाल देंगे 1/4 चम्मच धनिया पाउडर। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। नमक यहाँ पे हमें फीलिंग के हिसाब से डालना है, जितना ये प्याज और पत्ता गोभी है इस हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें, फ्लेम को लो कर लें और अच्छे से इसे हम 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे। अच्छे से मसाले भून चुके हैं, पत्ता गोभी और प्याज भी सॉफ्ट हो चुका है, ठंडा होने देंगे इसे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये चना दाल का नमकीन का पैकेट, चटपटा दाल। आप यहाँ पे मूंग दाल का पैकेट ले सकते हैं, जो भी दाल का फ्लेवर पसंद है, टेस्ट पसंद है वो ले सकते हैं। उसको मिक्सी जार में डालना है और फिर इसे हमें थोड़ी देर के लिए चला देना है, एकदम से बारीक पाउडर बन के तैयार हो जाएगा इस तरीके से आपका। और अब इस पाउडर को हमें मिक्स करना है इसमें, जो पत्ता गोभी और प्याज हमने भूना है उसमें डाल देंगे इसमें और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इसमें खट्टा कुछ भी यूज नहीं किया है, ना आमचूर यूज किया है। तो अब यहाँ पे आधा नींबू इसमें मैं निचोड़ दूंगी, इससे बाइंड भी हो जाएगा ये और इसमें खटास भी आ जाएगी। तो अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे, हाथों से मिक्स कर लेंगे, चम्मच से मिक्स करने में कम्फर्टेबल नहीं है तो हाथों से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद इसके छोटी छोटी से इस तरीके से बोल्स बना लेंगे हम, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से बोल्स बना लेंगे हम बहुत ही आसानी से। और बिल्कुल छोटी छोटी मीडियम साइज़ की बोल्स बनाएं, बहुत ज़्यादा बड़ी बोल्स ना बनाएं। तो ये नाश्ता इतना बढ़िया बनके तैयार होता है कि जब एक बार आप बना लेंगे तो समोसे कचौड़ी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घंटों आपको कचौड़ी के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंस्टेंटली आप ये कचौड़ी बना के सर्व कर सकते हैं, टेस्ट कचौड़ी समोसे दोनों का मिलेगा आपको इसमें। और अब लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा डो जो है अच्छे से फूल चुका है, अच्छे से सेट हो चुका है। हल्का सा इसे मसल लेंगे हाथों से इस तरीके से। तो डो को आपको 20 मिनट कम से कम रेस्ट देना है,
इससे अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर छोटी छोटी सी लोई कट कर लेनी है इस तरीके से, और इसको इस तरीके से कटोरी की शेप देनी है, जिस तरीके से आप पराठा भरवा बनाते हैं या फिर कचौड़ी बनाते हैं, आलू की हो दाल की हो, उस तरीके से इसमें कटोरी का शेप दे देना है। फिर जो बोल तैयार की है उस बोल को इसमें रखेंगे और ऐसे प्रेस करते हुए अच्छे से इसे कोट कर देंगे और इसे फिर बंद करेंगे। तो एक बार ये नाश्ता आप अगर बना के ट्राई करेंगे तो बहुत ही पसंद आएगा आपको। और इसमें हल्का सा पानी लगाएंगे और इसका मुंह बंद कर देंगे। अगर आप इनको बना के स्टोर करना चाहते हैं 2-3 हफ्तों तक, तो इसमें प्याज ना डालें, ऐसे ही चना दाल की नमकीन लेके पीस लें और उसमें हल्के से मसाले ऐड कर लें और इसे स्टफ्ड करके बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तुरंत खाना चाहते हैं तो इसमें प्याज पत्ता गोभी वगैरह डाल सकते हैं। हमारी बोल अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है, सारी की सारी बोल्स हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तो सारी बोल्स हमारी बन के तैयार हुई हैं और अब हम इन्हें करेंगे डीप फ्राई। फ्राई करते वक्त फ्लेम को आप लो कर लें और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लें और इन्हें उलट पलट के फ्राई करें। बहुत बढ़िया, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती हैं ये, और इनका स्वाद जो है वो आपको बहुत पसंद आने वाला है। कचौड़ी समोसे दोनों का स्वाद आएगा और बहुत ही बढ़िया खस्ता स्पाइसी बन के तैयार होती हैं। तो इनको उलट पलट के फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। तो हमारी ये फ्राई हो चुकी हैं, जो जो फ्राई होती जा रही हैं उनको निकालते जाएंगे और हम इन्हें आपको दिखाते हैं कि कितनी खस्ता बन के तैयार हुई हैं ये। तो बहुत ही खस्ता बन के तैयार हुई हैं और अंदर इनके स्टफिंग जो है वो बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी है। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि रेसिपी कैसी लगी।